मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान हर दिन नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। सूबे के मुखिया सीएम गहलोत का कहना है कि देश भर में राजस्थान पहला राज्य है जहां चिरंजीवी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत सभी मंचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। सरकार की इन्हीं जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर मुख्यमंत्री गहलोत 2023 में जनता के बीच जाकर वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने सम्मेलन में दिए 3 मंत्र। गहलोत ने की सोशल सिक्योरिटी कानून की पैरवी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बोले गहलोत। सीएम गहलोत ने की लोकसभा अध्यक्ष से मांग। संसद में बने सोशल सिक्योरिटी अधिकार का कानून। राजस्थान की तर्ज पर मिले देश की जनता को अधिकार। चिरंजीवी योजना, ओपीएस और वृद्धजन पेंशन का किया जिक्र। राहुल गांधी ने भी की है योजनाओं की तारीफ। हेल्थ क्षेत्र में राजस्थान के मॉडल स्टेट होने का दावा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पुरानी पेंशन फिर से बहाल की गई है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की गई, लेकिन राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रूप में चिरंजीवी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक के इलाज और बीमा की सुविधा मिल रही है। यह सामाजिक सुरक्षा के रूप में राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही वृद्धजन पेंशन योजना भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से गहलोत सरकार का बड़ा कदम है। आमतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंचों से इन तीनों योजनाओं का जिक्र करते हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सभी योजनाओं का जमकर जिक्र किया। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अलग अलग राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और परिषदों के चेयरमैन शामिल थे। इस दौरान मंच पर मौजूद लोकसभा स्पीकर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संसद में ऐसा कानून बने जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी का अधिकार लोगों को मिल सके। गहलोत ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी का अधिकार है, ऐसे में भारत भी ऐसा देश बने जहां सोशल सिक्योरिटी के अधिकार लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना, वृद्धजन पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन को भी देश भर में अपनाना चाहिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिलारी बैठे प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं। ऐसे कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह, ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी है, हम जहाँ बैठे हैं खाली मशीनरी नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को अगर जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता है। ये मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट, मेरे पॉइंट तो हमने कई स्कीम लागू की है। ओपीएस जिसका बहस चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। इस तरह की योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं है। ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से किए गए इन तीनों नवाचारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत देश भर में लागू करना चाहिए। गहलोत का कहना है कि बुजुर्ग, विधवा, महिला और दिव्यांगों को भारत सरकार केवल 200 रुपए पेंशन देती है, जबकि राजस्थान सरकार 1,750 रुपए पेंशन के रूप में दे रही है। विकसित राष्ट्र प्रत्येक परिवार को साप्ताहिक पैसा देते हैं। गहलोत ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने कोई भूखा ना सोए का नारा दिया और जरूरतमंद 35 लाख परिवारों को सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई। ऐसे में अब समय आ गया है कि देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने
सोच समझ करके गुणा भाग करके हमने मानवीय दृष्टिकोण से 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी ओपीएस के माध्यम से, वरना नई जो पेंशन योजना है उसकी आलोचना सीएन एजी ने भी करी, आज 15 साल के बाद में कोई नियम कायदे नहीं बने। हुमलट कमीशन विरोध कर रहा है उसका, जुडिशल कमीशन विरोध कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जजेस को ओपीएस मिल रही है, हाईकोर्ट जज को ओपीएस मिल रही है। निरोगी राजस्थान का नारा देने वाले सीएम गहलोत का कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जारी है। वहीं 35 वर्ष की राजकीय सेवा के बाद कर्मचारी को बुढ़ापे की चिंता ना रहे, इसके लिए बुढ़ापे में सरकार की ओर से उन्हें पेंशन मिलेगी। गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट के जजों को पुरानी पेंशन मिल रही है, सेना के जवानों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी पुरानी पेंशन देने का फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि इस भेदभाव को खत्म करने के लिए नई पेंशन स्कीम पर पुनर्विचार होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के लिए संकल्पित गहलोत सरकार के इन सभी योजनाओं की कांग्रेस हाईकमान भी सराहना कर रहा है। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंच से जिन योजनाओं की तारीफ की, इन योजनाओं में चिरंजीवी योजना, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, वृद्धजन पेंशन और इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं इंदिरा रसोई योजना शामिल है। अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव देते हुए सामाजिक सुरक्षा कानून के लिए योजना बनाने के भी सुझाव दिए। ऐसे में पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी के सुझावों की झलक बजट में देखने को मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर प्रति 500 रुपए की दर से उपलब्ध कराने की घोषणा भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताई जा रही है। माना जा रहा है इस बजट में सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत गहलोत सरकार कई घोषणा कर सकती है। वहीं प्रदेशवासियों को इस बजट सत्र में स्वास्थ्य का अधिकार भी मिलेगा।